रामलला के दर्शन की चाह लिए मुंबई सटे मीरा भाईंदर और दहिसर इलाके से 300 राम भक्तों का जत्था रविवार को अयोध्या के लिए पैदल रवाना हो गया। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने सभी राम भक्तों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया और उनकी यात्रा के लिए शुभकामनाएं दी। इस दौरान मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि गर्व की बात है कि मीरा भाईंदर से 300 राम भक्त पैदल अयोध्या जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो कहा है वो कर दिखाया है कि हमारे प्रधानमंत्री जी जैसे राम मंदिर बनाया वैसे वाराणसी का भी बहुत बड़ा डेवलपमेंट किया है और जितने भी हमारे तीर्थ क्षेत्र हैं सभी को वो विकसित कर रहे हैं और हमारे देश का नाम पूरी दुनिया में रोशन कर रहे हैं। पूरी दुनिया में इस देश का नाम आदर सम्मान से सब लोग लेते हैं, अमेरिका हो, ब्रिटेन हो, जर्मनी हो, यूरोप हो, कोई भी हो, और रामलला का आशीर्वाद उनको भरपूर मिल रहा है और इसीलिए रामलला का मंदिर भी हो गया और उसका उद्घाटन भी होगा और आप सब लोग इतनी बड़ी संख्या में आज पैदल जा रहे हो। मुझे लगता है ये अयोध्या में पहुंचने तक ये कारवा बढ़ता ही जाएगा, लोग शामिल होते जाएंगे, आपके साथ जुड़ते जाएंगे और आपका स्वागत करते जाएंगे, क्योंकि पैदल चलना अयोध्या तक तो 47 दिन लगता है, 45 या 47 ये दिन, इतना दिन चलना कोई मामूली बात नहीं है। आपको रामलला ताकत देगा, पवन पुत्र हनुमान ताकत देगा और इसलिए जैसे प्रताप सरनाईक जी ने कहा कि आनंद के साहब, हमारे धर्मवीर आनंद के साहब ने 1987 में जब कार सेवा शुरू थी हम लोग सब साथ में थे और एक चांदी की ईंट कार सेवा में भेंट कर दी थी। उनको मालूम था एक न एक दिन अयोध्या में राम मंदिर बनेगा। मीरा भाईंदर और दहिसर से अयोध्या तक की यात्रा का आयोजन राम सेना फाउंडेशन ने किया है। फाउंडेशन के कार्यकारी अध्यक्ष अंकित मिश्रा ने बताया कि 47 दिन की यात्रा पूरी करने के बाद 26 जनवरी को यह जत्था अयोध्या पहुंचेगा। इस दौरान महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में कुल 47 जगहों पर पड़ाव होगा। सबसे ज्यादा पड़ाव मध्य प्रदेश में होंगे। आपको बता दें कि इस यात्रा का खर्च विधायक प्रताप सरनाईक ने उठाया है। वह 47 दिन की यात्रा के दौरान भोजन, पानी, दवा और अन्य खर्च का वहन कर रहे हैं। इसके अलावा 300 राम भक्तों के लिए गद्दा, कम्बल और 2 जोड़ी ठंड के कपड़े भी सभी को दिया गया है। सरनाईक ने कहा कि वो खुद को सौभाग्यशाली मानते हैं कि उन्हें राम भक्तों के माध्यम से रामलला की सेवा करने का मौका मिला है। ब्यूरो रिपोर्ट, इन 24 न्यूज।